बहुत अच्छे करता है, समझदार बंदा है और एक जीतने वाले के लिए जो खूबी इंसान में होनी चाहिए वो सिद्धार्थ शुक्ला में है इन शॉर्ट। आई हैव नॉट लाइक्ड हिज गेम, सो मैं खिलाफ तो नहीं बोलूंगी बट मेरा फेवरेट सिद्धार्थ है। जानबूझ के जा जाके सिद्धार्थ को पोक करना, उसे लड़ना। आसिम आपको ज़्यादा करके कहाँ कब दिखा बिग बॉस में? जब वो सिद्धार्थ को जाकर उसे पोक किया है और वो लड़ाइयाँ करी हैं तभी आसिम दिखा है, वरना आसिम बहुत कम दिखा है। अब बहुत खुश हूँ कामया के लिए कि फाइनली शी इज सेटल डाउन इन लाइफ, और किसी भी लड़की का सपना होता है कि अच्छा लाइफ पार्टनर मिले, और अभी तो मैं मिली नहीं हूँ एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड कि मैं जाके कामया से मिलूँ, और मैं देखना चाहती हूँ कि आफ्टर वेडिंग कैसी लग रही है कामया। मुझे देखो कामया को बहुत काफ़ी सालों से बहुत अच्छी तरह से मैं जानती हूँ, सो मेरे लिए यही बहुत इमोशनल मोमेंट है दैट यू नो शी इज़ फाइनली सेटल डाउन इन लाइफ। और कई बार ऐसा लगता है ना कि पता नहीं आप करोगे भी कि नहीं करोगे, आप काम ही करते आ रहे हो, अपने लिए सोचेगी भी कि नहीं ये लड़की सोचेगी, फाइनली सोचा तो मेरे लिए यही बहुत इमोशनल मोमेंट है। मैं कामया को डायरेक्टली बहुत कम जानता हूँ, जितना भी जानता हूँ संभावना के थ्रू जानता हूँ, और बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनी मैंने कामया के बारे में संभावना से। कामया के बारे में एक ही जो मेरे पास अच्छी मेमोरी है वो ये है कि मैंने बिग बॉस में कामया का एक टास्क देखा था जो किसी डब्बे में रहना था काफ़ी घंटों के लिए, और कामया ने वो रिकॉर्ड तो उस दिन से ऐसी स्ट्रांग इमेज बनी है मेरे दिमाग में कामया की, इतनी स्ट्रांग लड़की है वो। तो मैं तो बस यही चाहूँगा कि वो लाइफ में हमेशा खुश रहे क्योंकि बहुत स्ट्रांग है, वो सब कुछ डिजर्व करती है लाइफ में, और मैं उसके मतलब शुभ जीवन की कामना करता हूँ पूरे।